अब मार्केटें भी खुलेंगी, ट्रेनें भी चलेंगी और उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी चलेंगी, लेकिन हुकूमत की मौजूदा एसओपीज पर अमल दरामद होना लाजिम है। आइए हमारी अवामो नास से जानते हैं कि क्या हुकूमत की मौजूदा एसओपीज पर अमल दरामद हुआ जा रहा है। मैं यहाँ हसन स्क्वायर पर मौजूद हूँ। आइए ड्राइवर हजरात से जानते हैं कि क्या वो मास्क और फेस मास्क और ग्लव्स की पाबंदी के इस्तेमाल पर आए थे। जितना हो सकता है उतना 120 पे अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि कानून के मुताबिक हम चले। भाई अच्छा हो गया, पब्लिक बहुत परेशान थी, बहुत दिन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई, अभी जो है उनको सहूलत मिल गई है। रोजगार अल्लाह का शुक्र है, करम है, हमारा रोजगार चल रहा है। चिंची वगैरह में हमें डायरेक्ट एक्सपोज करना पड़ता है पब्लिक को और उसमें ज़्यादा खतरात हैं। प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रा सी नज़रसानी करें कि ये ख़तरनाक चीज़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बड़ी सवारी फराहम की जाए। शहरियों का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलने वाले चिंची रिक्शों के छोटे होने के बायस एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो सकते, लिहाजा इन्हें बंद किया जाए। जहां ड्राइवर्स हजरात मास्क लगाकर हुकूमती तदाबीर पर अमल पैरा होते दिखाई दिए तो वहीं चिंची रिक्शों का बुरा हाल देखने को मिला। मुल्क भर में कराची कोरोना का गढ़ बन चुका है और सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने तिजारत के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलने की इजाज़त दे दी है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत की मौजूदा करदा एसओपीज पर अमल दरामद होगा या नहीं। कैमरामैन अली और साथी रिपोर्टर शुएब अहमद सिद्दीकी के साथ समरीन आयशा जमान, पब्लिश न्यूज़, कराची।